हमारे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, यानी जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उनकी क्या समस्याएं होती हैं। हम सभी वैसे एक एडोलसेंस एज से गुजर रहे हैं, हम सभी किशोर हैं। तो सबसे पहले हम पहले एज ग्रुप समझेंगे कि एडोलसेंस जो होते हैं उनका एज ग्रुप क्या होता है, देन उसके बाद उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, 0 से 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, मतलब 0 से 2 वर्ष की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो ये इस टाइम बच्चे ने जन्म लिया होता है ना, 0 से 2 ईयर्स की बात करते हैं, तो इस अवस्था को जो इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है, इन्फेंसी या हिंदी में इसको शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक है, हिंदी में इसको शैशवावस्था कहते हैं। इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स तक होती है, देन 2 से अगर मैं 7 या 6 ईयर्स तक, 6 ईयर्स तक लगाऊं, उसके बाद इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। वैसे चाइल्डहुड पीरियड होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, हिंदी में इसे बचपन कहते हैं, आरंभिक बचपन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, आरंभिक बचपन। देन उसके बाद हमारे पास होता है 7 से 12 ईयर्स, ये होता है लेटर चाइल्डहुड, इसको बाद का बचपन भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब बचपन ही होता है ये जो हमारा 2 से 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो बचपन का टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसको भी 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो कि अगला, जो कि हमारा आज टॉपिक है एडोलसेंस, उसकी एज की बात करते हैं। उसकी एज होती है, देखो इसको हम 13 से 14 भी लगा सकते हैं, 13 से 14, ठीक है, इन दोनों, या 13 से हम शुरू कर सकते हैं इसको। इसकी एज होती है 18 या 20, ठीक है, कहने का मतलब है कि 13 साल से हम 18 या 20 साल तक के बच्चों को मान सकते हैं कि वो किशोर होते हैं, ठीक है, वो किशोर अवस्था होती है, उन्हें हम किशोर कह सकते हैं, ठीक है, किशोर या एडोलसेंस, एडोलसेंट कहते हैं उन्हें, या फिर किशोर, ये, और इसी पीरियड की आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इस वाली एज से देखो हम सभी गुजर रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो मैं अभी एडोलसेंस एज में हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एडोलसेंस एज होती क्या, इसके सारा करेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी, बस मैंने अभी आपको टाइम पीरियड बताया है। और अगर मैं 20 साल से बाद की बात करूं, 20 साल से ऊपर जितना भी टाइम होता है उसे अडल्ट एज कहते हैं, ठीक है, अगर जानना है आपको तो अडल्ट एज, इस टाइम हम अडल्ट कहलवाते हैं, जैसे बालिक जिसे कहते हैं, ठीक है, अडल्ट यानी जिसे हम बालिक हम कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, आपको बालिक का तो बताइए, मतलब जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स मिल जाते हैं, जिसमें अडल्ट एज में ही मोस्ट ऑफ लोग शादी करते हैं, ठीक है, इसको बालिक कह सकते हैं। तो ये वाली तो होगी नॉर्मल, एक मैंने आपको एज बताई है। तो आज हम ये जो थर्ड एज है हमारी एडोलसेंस एज, किशोर अवस्था, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो किशोर अवस्था में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, पहले तो मैं आपको किशोर जो शब्द है उसका मीनिंग ही बता देना चाहती हूँ। जो एडोलसेंस शब्द है हमारा यानी किशोर, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, ठीक है, किशोर इसे कह सकते हैं हम। तो ये किशोर, ये एडोलसेंस जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, तो ये किशोर अवस्था जो हम कहते हैं ना, ये इंग्लिश का शब्द है, ये जो इंग्लिश का शब्द है एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, बस इसको हिंदी में किशोर अवस्था कह दिया गया है एडोलसेंस को, ठीक है, किशोर कह दिया गया, हिंदी का रूपांतरण है। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, बड़े होना, ठीक है, बड़े होना, बड़े होना का मतलब है कि इस वाली एज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हम जब हमारे चाइल्डहुड यानी हमारे बचपन में वो परिवर्तन हमने फेस नहीं किए होते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से इसमें चेंजेस आते हैं एडोलसेंस एज में यानी किशोरावस्था में, आधे लोगों को तो पता ही होगा कि हम इस एज से गुजर रहे हैं। देखो पहला इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं इस वाली एज में, शारीरिक परिवर्तन हम इन्हें हिंदी में कहेंगे, शारीरिक परिवर्तन में देखो लड़कियों में अलग चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूं यानी लड़कों में, और इधर फीमेल की बात करूं, लड़कियों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, लड़कों में क्या चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था में, एक तो उन
उनकी देखो आवाज भारी हो जाती है ना, पहले उनकी आवाज उतनी भारी नहीं होती है, तो भारी आवाज हो जाती है लड़कों की स्पेशली, और लड़कों की जो छाती होती है चेस्ट, तो वो छाती थोड़ी मतलब ऐसे चौड़ी होने लगती है, ठीक है, छाती चौड़ी होने लगती है लड़कों की, और उनकी लड़कों की दाढ़ी मूछ आने लगती है, ठीक है, मूछ आने लगी, उनकी दाढ़ी मूछ आने लगती है लड़कों की, और उनका जो ये देखो यहाँ से ये जो गले में ये हमारा वोकल होता है मतलब बोलने का, ये बाहर आने लग जाता है उनका, ठीक है, तो आवाज का जो ये होता है ये अलग उभरा हुआ बाहर दिखाई देने लगता है ना। और लड़कों की हाइट इस एज में बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, इसमें अगर फिजिकल बात करूं तो इनकी यहाँ ऊंचाई बढ़ती है, दाढ़ी मूछ आती है, उनके ऐसे मसल्स डेवलप होने लग जाते हैं, ये सब लड़कों में चेंजेस आते हैं एडोलसेंस एज में। अगर लड़कियों की मैं बात करूं, लड़कियों में देखो उनमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे मासिक धर्म, ठीक है, ये लड़कियों को ज्यादा पता होगा, उन्हें मासिक धर्म जो है इस एज में हो जाता है शुरू, मासिक धर्म, ठीक है, और उनकी जैसे अगर मैं बात करूं जैसे लड़कों की चेस्ट बहुत चौड़ी होने लग जाती है, वैसे लड़कियों की चेस्ट में भी उभार आने लग जाता है, ठीक है, ऐसे इनकी में उभार आता है थोड़ा सा। और लड़कियों के देखो इस टाइम जो हाइट बढ़ती है, या अगर मैं वजन की बात करूं तो लड़कों के मुकाबले कम बढ़ती है इस एज एडोलेसेंस में, लड़कों की ज्यादा हाइट वगैरह जो है वो ज्यादा जितनी रफ्तार से बढ़ती है उतनी लड़कियों में नहीं बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता है कि लड़कियों की बहुत ज्यादा ऐसे ज्यादा केसेस ऐसे ही चलते हैं कि लड़कियों का हाइट लड़कों से थोड़ी कम ही रहती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो ये लड़कियों में चेंजेस आते हैं। और लड़कियों में ऐसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर और होने लग जाता है, जैसे एक औरत को आपने देखा होगा उसका एक लड़की से वो एक औरत बनने की प्रोसेस में जाती है, तो वहां उसके शारीरिक जो मतलब शारीरिक रूप से उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है शरीर की, उसमें काफी परिवर्तन जो है वो होने लग जाता है। तो एडोलेसेंस एज में ये सारे परिवर्तन भी जो है वो आपको फिजिकल परिवर्तन दिखाई देंगे, ठीक है, ये होते हैं इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस एज में। और इस वाली एज में देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक चीज है वो है कि यहाँ पर इन लोगों को ना जैसे होता है कि हम इनको बालिक भी कहने लग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जब आप इस वाली एज में आएंगे तो आपको वोट का अधिकार भी मिल जाता है ना, 18 से 18 के बाद वोट का अधिकार भी मिल जाता है, और इस टाइम पेरेंट्स आपको थोड़ा जिम्मेदार भी समझते हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर थोड़ी सी डाल जाती है, ठीक है। और सबसे जो जरूरी बातें हैं देखो वो है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कि इस टाइम जो बच्चे होते हैं ना, जो एडोलेसेंस होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहिए होती है। देखो इस पीरियड में क्या होता है कि पेरेंट्स को डर रहता है कि हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया वो गलत आदतों में ना लग जाए, जैसे उनको है कि वो लड़कियों के चक्कर में ना पड़ जाए, लड़कियां लड़कों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो बीड़ी सिगरेट पीना ना शुरू कर दे, इस तरह की उनको बहुत टेंशन रहती है। इस टेंशन में आके और वो चाहते हैं पेरेंट्स की बच्चे का फ्यूचर कुछ बने, है ना, वो कुछ अपनी लाइफ में बने, इसलिए उन पर थोड़ा ना नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों पर वो, है ना। इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं क्योंकि उनका इस टाइम बहुत हम कह सकते हैं गर्म खून वाली स्टेज होती है, मतलब ऐसे बहुत ही उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गर्म खून में कह सकती हूँ उनका इस टाइम होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो उनको ऐसा होता है कि इस टाइम कोई भी उन पर अपनी बात मनवाने की जबरदस्ती कोशिश करे, पेरेंट्स बार बार बोले तुमने बाहर नहीं जाना, अपने दोस्त के साथ घूमने नहीं जाना है, तुमने इतने टाइम में घर में वापस आ जाना है, उनको ऐसा लगता है कि हम मतलब किसी जेल में बंद है, उनको ऐसा होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें कोई ना टोके रोके, जो मैं जैसे मर्जी मैं करना चाहूँ वैसा मैं कर सकूँ, उनकी ये बारी बहुत ज्यादा फीलिंग इस वाली स्टेज में आ जाती है स्वतंत्रता वाली कि फ्रीडम चाहिए, मेरे को अपनी मर्जी से लाइफ जीनी है, मैंने जैसे मर्जी कपड़े पहने हैं, जिसके साथ बैठना है रहना है जो बनना है मेरी मर्जी होनी चाहिए, पेरेंट्स मुझे बार बार रोके टोके ना, इसलिए उनको ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने ऐसे दुश्मन से लगने लग जाते हैं कि मेरी पेरेंट्स फीलिंग नहीं समझते, मुझे कहीं जाने नहीं देते, तो ये स्वतंत्रता वाली फीलिंग बहुत ज्यादा इस वाली एज में रहती है बच्चों में। और एक और जो बहुत चीज होती है वो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, ठीक है, अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, आकर्षित होना, अट्रैक्शन बहुत होती है यहाँ पर बच्चे इसमें, इस वाली एज में देखो अट्रैक्शन बहुत हो जाती है लड़कों को लड़कियों से, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में बच्चे एडोलेसेंस एज में शुरू हो जाता है उनका, तो कॉलेजेस में या स्कूल में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, उनको एक दूसरे से मतलब बहुत लगाव सा हो जाता है, तो ये वाली अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा इस वाली एज में होती है, ठीक है। और एक और इस वाली एज में जो बहुत परिवर्तन आता है वो होता है पीयर ग्रुप का, मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। पीयर ग्रुप होता है,
पीयर ग्रुप क्या होता है, सेम एज के लोगों का ग्रुप होता है पीयर ग्रुप, ठीक है। जैसे एडोलसेंस एज के बच्चे हैं, जो इस एज के हैं, वो अपने ग्रुप बना लेते हैं। पीयर ग्रुप यानी साथियों का समूह, अपने दोस्तों का, है ना, साथी समूह से कह सकते हैं हम हिंदी में, साथी समूह होता है ये। तो वो इसमें होता है कि पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे होता है कि इस वाली एज में देखो पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उनको लगता है हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि पेरेंट्स हमारी फीलिंग, हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो घर से बाहर कोई ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो उसकी फीलिंग को समझे, जो उसके हाँ में हाँ करे एक बारी, है ना, कि हाँ ये भी तेरी फीलिंग है, तेरे पेरेंट्स को समझना चाहिए था। इसलिए बच्चे ऐसा दोस्त ढूंढते हैं और अपने ऐसे पीयर ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपने देखा स्कूल कॉलेज में आपके दोस्त होते होंगे, आपका एक समूह होता है ना, ग्रुप होता है दोस्तों का, तो वैसे पीयर ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप से इनको बहुत लगाव हो जाता है, जितना कि अपने पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों से नहीं होता है। कि इनको जो पीयर ग्रुप वाले होते हैं वो सेम एज के होते हैं और जो उनकी बात है वो सही बोल लेंगे पीयर ग्रुप वाले, कि हाँ ये वाली तेरी फीलिंग सही है यार, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि तुझे बाहर भी घूमना है, तुझे अपने ऐसे बाल कटवाने हैं। ये पीयर ग्रुप वाले आपकी बात को सही बोलेंगे क्योंकि वो तुम्हारे एज के ही है, है ना। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, फिर वो जो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी भावनाओं को समझते हैं, तो उनको इन लोगों से ज्यादा लगाव हो जाता है अपने दोस्तों से, जितना कि पेरेंट्स से नहीं, क्योंकि पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, मना करते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना है आपने, कि उनको टेंशन होती है आपकी, तो वो पीयर ग्रुप के साथ में ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली बात आपने इसमें याद रखनी है। और एक मैं इनके बारे में आपको बात बता दूं, वो है देखो यहाँ पर मैं मानसिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष क्या होता है, देखो इस वाली एज में ना जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट ना, उनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती रहती है, उनको मतलब शांति नहीं होती उनके माइंड में, कभी ये चल रहा है, कभी जॉब की टेंशन हो रही है, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन हो रही है, कभी दोस्तों की टेंशन हो रही है, कभी उनको लग रहा है मैं कौन सा कोर्स करूं, पता नहीं मुझे बाद में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और मतलब बहुत छोटे छोटे बातों पर टेंशन आना, एकदम गुस्सा हो जाना, बहुत ही मतलब ऐसा खिंचे खिंचे से रहना, कोई भी जरा बोलती छोटे से मतलब गुस्सा होना, ये बहुत ज्यादा मानसिक उनके दिमाग में चलता रहता है, सोचते रहते हैं पूरा टाइम ही कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, किससे बात करूं। और फिर कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि मेरी फीलिंग कोई नहीं समझ रहा है, वो किसी से बात करना फिर पसंद नहीं करते, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ये दिमाग में ऐसी चीजें चलती रहती, दिमाग में उनके शांति नहीं आती है। तो ये मेन है एडोलसेंस एज की कुछ बातें जो कि आपको समझना है, ठीक है। तो ये होती है एडोलसेंस एज, ठीक है, जिस एज से हम खुद ही गुजर रहे हैं, हमें खुद को ज्यादा पता है अपने बारे में, ठीक है, और हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। अभी हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हैं तो हमें है कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि तुम लोगों ने ट्रिप पे नहीं जाना है, और हम होता है कि जाना है तो हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स सही नहीं है, वो हमें कहीं जाने नहीं देते। बहुत फीलिंग है ऐसी जो एडोलसेंस में चलती ही रहती है, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत चलते हैं लड़कों में, खून गर्म वाली बात होती है, उनको छोटे छोटे गुस्सा आ जाता है, कोई जरा सा कुछ कह दे बस लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं उनके आपस में, तो ये होता है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं इस वाली इसके, ठीक है, सिम्टम्स मतलब लक्षण, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें हम देखकर कह सकते हैं कि बच्चा एडोलसेंस एज में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। पहला जो है मैंने आपको बोला कि फिजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, फिजिकल चेंज यानी शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होंगे उससे हमें पता लग जाएगा कि बच्चा एडोलसेंस एज में जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया डिटेल में कि लड़कों में कौन से चेंजेस आएंगे, लड़कियों में कौन से चेंजेस आएंगे, लड़कों का आवाज भारी होना, गले का ये वोकल बोलने का, इसका बाहर निकलना, छाती चौड़ी होना, मसल्स का डेवलप होना, उनकी हाइट वजन ये सब बढ़ना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना, वैसे ही लड़कियों में होता है, ठीक है, लड़कियों में होता है अपना कि उनका जो छाती है वो थोड़ी उभर जाती है लड़कियों की, है ना, मासिक धर्म वगैरह उनका शुरू हो जाता है, और ज्यादा मतलब ऐसी बहुत सारी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं जब बच्चों में, तो आप कह सकते हो कि वो एडोलसेंस एज में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सिम्टम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे और वजन वगैरह बढ़ना भी इसमें होता है, ठीक है, वजन बढ़ना भी इसका एक सिम्टम होता है। जैसे पहले आपका वजन उतना नहीं बढ़ता जितना इस एज में ज्यादा बढ़ता है, वजन बढ़ना या हाइट का बढ़ना, ठीक है, पर वजन बढ़ने में होता है कि इस टाइम में होता है कि लड़कों में जितना उनकी हाइट या वजन बढ़ता है उतना लड़कियों का नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाला वजन बढ़ने इसका एक सिम्टम है। और हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि
बाकी जैसे लड़कियों का वही मैंने आपको बताया कि लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उनकी छाती का उभरना वगैरह वगैरह, ठीक है, लड़कों की दाढ़ी मूछ वगैरह आना, और एक वो जो मैंने आपको पहले से बता दिया ऑलमोस्ट, मैंने लगता है सिम्टम्स को बताई दी, जैसे और ये है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है उनके एक दूसरे के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति आपस में उनकी फीलिंग्स ही जग जाती है, है ना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में एकदम आग बबूला हो जाना, ये भी एक सिम्टम होता है इसका, क्योंकि सेज में ये चलता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, गुस्सा भी इसका एक सिम्टम होता है, ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है इस वाली एज में बच्चों को, ठीक है, और मतलब ऐसे उनके अंदर अशांति बहुत ज्यादा रहती है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये वगैरह सोच के वो उनके दिल में ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद एक और इसमें बड़ा वो आता है जज्बाती का मतलब है कि अगर वो किसी चीज के प्रति उनको कोई कुछ समझाए वो उसी तरफ ही उनके जज्बाती हो जाते हैं, जैसे अगर एडोलेसेंस एज में अगर आपको कोई कह दे कि आपको देशभक्ति दिखानी है, वो अगर आपको पूरा समझा दे कि बॉर्डर पे जाना है, देश ये है वो पूरा, तो उस तरह के जज्बाती हो जाओगे, पूरा वो फीलिंग आ जाएगी मुझे देश के लिए कुछ करना है, मतलब जैसा कोई समझा दे आपको वही फीलिंग हो जाती है, अगर आपको कोई समझा दे कि गरीब लोगों के बारे में बताए कि उनके बेचारों के ऐसा पढ़ने के लिए कुछ नहीं, उनके बारे में डिटेल में बता दे कि उनकी कितनी उनको मजबूरियां होती है उनकी, तो आपके दिल में उनके प्रति बहुत जज्बात हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा हर बात में जज्बाती हो जाते हैं एकदम वो, ठीक है, ऐसा हम कुछ देख लें किसी के कि उनके अत्याचार हो रहा है उसके प्रति एकदम जज्बाती हो जाते हैं कि मैं कुछ करूं उसके लिए, मैं जाकर उसकी हेल्प करूं, तो जज्बात आ जाते हैं इस वाले एज में, बहुत बच्चे बहुत जल्दी जो है वो जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे मैंने बताया एक और बड़ी चीज होती है इसमें पीयर ग्रुप, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे पीयर ग्रुप को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, अपने दोस्तों को उनके साथ ही घूमना फिरना उनको अच्छा लगता है, ठीक है, और इंटरटेनमेंट मनोरंजन उनके लाइफ का बड़ा ही ऐसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, इंटरटेनमेंट जैसे फोन आजकल बहुत चल गया है, फोन यूज करना, टीवी देखना, इधर घूमना वहां जाना, उनको लगता है यही एज है अभी इंजॉय कर लो, ये वाली फीलिंग बहुत आ जाती है उनके अंदर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा एडोलेसेंस एज में आ गया है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेन जो कि आज हमारा टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है एडोलेसेंस की, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि मैं बहुत देर से डिस्कस कर रही हूं, सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है अपनी फिजिकल चेंज की, फिजिकल प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम यानी शारीरिक समस्या, शारीरिक समस्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़कों में अलग चेंज होते हैं, लड़कियों में अलग चेंज होते हैं, तो ये क्या होता है कि देखो उससे पहले बच्चे एडोलेसेंस, इससे पहले चाइल्डहुड एज में होते हैं, तब उनके अंदर ये परिवर्तन नहीं आते हैं, जब एकदम ये परिवर्तन आते हैं तो उनको ना शर्मिंदगी सी फील होती है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एकदम ही, जैसे लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है ना, तो वो इस चीज को एकदम संभल नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज क्या है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कि लड़कियां डिप्रेशन में चले जाते हैं इस वजह से, ठीक है, ऐसे लड़कों में होता है उनकी एकदम आवाज ऐसे मीठी सी होगी, एकदम भारी आवाज हो जाएगी, है ना, गला एकदम ये बाहर निकल आएगा, दाढ़ी मूछने लगती है, कभी कभी उनको नहीं ये चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम विचारों के अंदर ये चेंज आ जाता है जो कि उनको नहीं समझ में आते हैं, तो उन्हें ये एक प्रॉब्लम लगती है बहुत ज्यादा, इससे बहुत सारे बच्चे आते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, अभी जो उनके शरीर में जो नई चीजें आते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी, तो ये उनके लिए बहुत एक बड़ी समस्या होती है, ठीक है, तो ये हमारी होगी पहली शारीरिक फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है उनकी, ठीक है, देन जो हम दूसरी बात करने वाले, जो फिजिकल प्रॉब्लम देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वैसे अगर मैं इस वाली एज की बात करूं तो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो और जो प्रॉब्लम होती है जैसे पीयर ग्रुप जो कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, साथी समूह कहते हैं ऐसे हिंदी में, पीयर ग्रुप की प्रॉब्लम ये होती है कि देखो अब उन्हें एक अपना जो भी इनका पीयर ग्रुप उन्होंने बनाया जिसमें वो शामिल हुए हैं, उन्हें उसमें अपना एक जगह बनानी है, एक स्टेटस बनाना है कि मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, मेरे भी कुछ है, मतलब मेरे भी कोई जगह है इस वाली ग्रुप में, ठीक है, मेरे भी कोई वैल्यू है यहाँ पर, इस चीज में
आगे रहते हैं पूरा दौड़ में चढ़ने के लिए, कभी कभी इस चीज के लिए गलत काम भी करते थे। ऐसे लड़कों में आपस में कभी कभी हो ही जाता है कि हाँ तू, ऐसे लड़के कुछ बोल देते आपस में ना कि तू दिखा तू इस ग्रुप के लायक है कि नहीं, तू ये वाला कुछ करके दिखा, उस लड़की को प्रपोज करके दिखा, हम मानेंगे तब तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा है। तो वो चले जाते हैं किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे टास्क दे देते हैं आपस में ही, क्योंकि उनको रहता है कि मैं अपने ग्रुप में एक जगह बनाऊं, मेरी एक जगह हो। तो इसलिए ये पीयर ग्रुप एक समस्या बन जाती है। देखो पीयर ग्रुप होता है कि हर एक ग्रुप सही नहीं होता है, वो कभी कभी गलत पीयर ग्रुप भी चूज कर लेते हैं, है ना। जैसे कुछ ऐसे लड़कों की संगत में आ जाए जो उनकी संगत सही नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं या लड़कियों को छेड़ते हैं। कभी कभी बच्चा ऐसे पीयर ग्रुप में भी शामिल हो जाता है जिससे क्या होता है कि उसको गलत आदतें लगती है, उसका पूरा फ्यूचर बिगड़ जाता है। तो ये यहाँ रहता है कि पूरा पेरेंट्स ध्यान दे कि आपका बच्चा कौन से लोगों के साथ रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो कैसे हैं, सही हैं कि नहीं। तो ये यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एडोलेसेंट बच्चों के उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब हम उसके बाद जो एक और बहुत बड़ी समस्या जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, थर्ड हमारा पॉइंट है ये, ठीक है, डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस। मतलब ज्यादा स्वतंत्रता की मांग, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। ज्यादा स्वतंत्रता की मांग में जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाली एज में पेरेंट्स भी बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स थोड़ा कंट्रोल करते हैं, उनको टेंशन होती है अपने बच्चे के फ्यूचर की कि इसी वाली एज में हमारी लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी। उनको पेरेंट्स को यह रहता है कि अभी बच्चे पर ध्यान दिया, हमने ज्यादा कंट्रोल किया, ज्यादा गलत जगहों पर से नहीं जाने दिया, इधर उधर जाने से उनको लगता है बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना। तो वो कंट्रोल करते हैं, उनको रहता है हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे, इस वजह से वो कंट्रोल करते हैं। और बच्चे को लगता है हमारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, हमारा हमारी जिंदगी हमें जीने नहीं दे रहे, हमारे पेरेंट्स तो कुछ करने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि उनको स्वतंत्रता की वो फीलिंग आती है कि हमें फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी मर्जी से खाना पीना सब कुछ चाहता हूँ। उससे पहले चाइल्डहुड एज में क्या करता है कि जो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा वही करता है, वैसे ही कपड़े पहनता है, पेरेंट्स को तो अपनी मर्जी से उनको खिलाते पिलाते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं। तो पेरेंट्स की भी वो देखो आदत नहीं गई होती, उनको लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों को पहले पाला, हमारे बच्चों हमने अपने अकॉर्डिंग चलाए, वैसे हमारे बच्चे अपने अकॉर्डिंग चले। लेकिन यहाँ आके बच्चों की अपनी एक सोच डेवलप हो जाती है ना, उसकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ जाती है, वो अपने बारे में सोचने लग जाता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, कपड़ों के बारे में सोचता है, मेरे पर क्या सूट करेगा, कौन से हेयर स्टाइल मेरे पे सूट करेगा, ऐसी चीजें बहुत सोचने लग जाता है। तो उसको अब पेरेंट्स, ऐसे लड़के हैं कभी बालों में ब्राउन कलर करवा लेंगे, कभी लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ये नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ये गलत बात है, बाल कटवा देंगे जाके। तो बच्चों को है कि मेरे को ऐसे बाल अच्छे लग रहे थे, मेरे बाल क्यों कटवा दिए। तो वो है कि पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चा चाहता है फ्रीडम, उसको ये लगता है कि पेरेंट्स तो मेरे को कुछ करने ही नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ फ्रीडम की ज्यादा उनको ऐसा रहता है, कई बार बच्चे ऐसे घर छोड़ के भी भाग जाते हैं, कुछ गलत कामों में लग जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, देखो कंट्रोल करना तो ठीक है पेरेंट्स का, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भी ना करें, बैलेंस में लेके चले। पर अगर पेरेंट्स आप पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको उतनी समझ नहीं है अभी भी, आप अडल्ट एज में नहीं गए, आप एडोलेसेंस हो, आप कुछ गलत करोगे तो पेरेंट्स ही समझाएंगे। तो यहाँ उनका कंट्रोल करना भी ठीक रहता है, पर कुछ हद तक वो अपने बच्चों को फ्रीडम, और जहाँ फ्रीडम दे रहे हैं वहाँ थोड़ा ख्याल रखें कि आपका बच्चा किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, आप ख्याल रख सकते हो, पर थोड़ी फ्रीडम दें, तब बच्चा कुछ सीखेगा भी, क्योंकि यहाँ उसके अपनी डिसलाइक है, अपनी पसंद है, नापसंद है, तो बच्चा अभी फ्रीडम चाहिए उसे, ठीक है। तो ये है कि ये वाली बहुत प्रॉब्लम रह जाती है, कंट्रोवर्सी सी हो जाती है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, ठीक है। ये हमारा पॉइंट कि ये ना ज्यादा फ्रीडम जो है वो चाहिए होती है, ये थर्ड हमारे पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लेस, ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट टू रिलेटिव्स, मतलब जो रिश्तेदार हैं उनको कम महत्व देना, रिश्तेदारों को कम महत्व। इसमें क्या आएगा, रिश्तेदारों को कम महत्व यानी इसमें फैमिली भी आ जाएगी। देखो कम महत्व कैसे देते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया
कि पेरेंट्स उन पर कंट्रोल करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं, मेरी क्या फीलिंग है, मेरी क्या जरूरतें हैं, पेरेंट्स नहीं फील करवा रहे हैं, वो जाते हैं पीयर ग्रुप के पास अपने नए दोस्त ढूंढते वगैरह, उनको लगता है क्योंकि पीयर ग्रुप हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है, वो आपके एज के ही होते हैं तो उनको आपकी बातें सही लगती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बच्चे ना फिर अपने दोस्तों को ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, हर अपनी जो उनकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से संबंधित दोस्त को पहले बताना जरूरी समझेंगे, मम्मी पापा को नहीं। इसमें होता है कि पेरेंट्स से थोड़ा बच्चे दूर होते चले जाते हैं, ठीक है, उनको अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे जैसे होता है कि बच्चे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं इस वाली एज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, तो उनको रहता है कि वो वाली बात, ऐसी कोई बात होगी ना, ब्रेकअप श्रेकअप की बातें चलती हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की जगह उनको नहीं बताएंगे, उनको लगा वो कभी समझेंगे भी नहीं, और उनको पता भी चला कि ऐसे मेरी किसी से फ्रेंडशिप है, दो थप्पड़ तो पहले ही पड़ेंगे उन्हें, तो वो जाके अपने दोस्तों को बताते हैं, ठीक है। तो इससे आता है कि वो अपने फैमिली को या रिश्तेदारों को उतना महत्व नहीं देते जितना दोस्तों को देते हैं, उनको लगता है वो सारी फीलिंग हमारी समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। देन उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट का, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है, सबको पता है, जो पढ़ रहे हैं जो कोई कोर्स कर रहे हैं उनको भी कोई जॉब नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम तो होगी, बहुत टेंशन होती है इस वाली एज में। प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की समस्या, ठीक है। रोजगार की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पता क्या है कि इस वाली एज में ना बच्चा ओवर थिंकिंग करने लगता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग में ना ज्यादा ही सोचता है, पूरा टाइम उसने यही सोचना है, सोचते ही रहना है, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी कोर्स के बारे में, नहीं तो कभी अपने जो रिलेशन है उनके बारे में, ओवर थिंकिंग पूरा टाइम उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तभी तो कहते हैं मानसिक अशांति होती है इस एज में, ठीक है, मानसिक अशांति का हम इसको एक एज कह सकते हैं। अब यहाँ बच्चे को बहुत टेंशन रहती है कि पेरेंट्स पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं, क्योंकि 18-19 साल का बच्चा हो गया तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि स्पेशली गरीब परिवार वाले बच्चे ज्यादा समझ सकते हैं कि उन पर ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि अब तुम इस एज में आ गए हो, अब कुछ करो, कोई जॉब लो, कोई ऐसा कोर्स करो, बच्चों को भी रहता है कि कोई ऐसा कोर्स करो जिससे मुझे कोर्स करने के बाद जॉब की गारंटी तो हो, मुझे जॉब मिले, ऐसा कोई कोर्स नहीं कि कोर्स करने के बाद मैं मुझे जॉब ही ना मिले, ऐसे बहुत ख्याल उसके दिमाग में चलते रहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूं। कभी कभी बच्चा कभी कोई ये कोर्स करने लग, कोई कभी कभी बच्चा 2-3 कोर्स एक साथ में करने लग जाता है कि किसी तो कहीं तो कुछ होगा, तो कोई जैसे कोई कुछ और काम करने लग जाता है, मतलब अलग अलग जगह लग जाते हैं, इससे बच्चा थोड़ा सा ना ऐसे अपने पद से भी भटक जाता है कि उसको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे अभी तो कोई जॉब नहीं लगी है, मेरे अंदर क्या मैंने किया अभी तो कुछ नहीं, कैसे ख्याल आते रहते हैं, तो बच्चा ऐसे ओवर थिंकिंग में लगा रहता है, बहुत ज्यादा उसको मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, मानसिक दबाव बना रहता है उसके ऊपर, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे इस वाली प्रॉब्लम से, क्योंकि उनको लगता है मैंने क्या करूं। अगर आप एडोलेसेंस एज के हैं जैसे मैं हूं, तो मेरे को तो बहुत टेंशन होती है देखो अपनी एम्प्लॉयमेंट की, मुझे ये रहता है मैं क्या बनूंगी, मुझे है मेरा मकसद है, मुझे पता है क्या बनना है, मैं यही सोचती हूँ कब मुझे जॉब मिलेगी, कब मैं पैसा कमाना शुरू करूंगी, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे ये है कि मैं टीचिंग का कोर्स कर रही हूँ, है ना, तो ये है कि इसके बाद ऐसे बहुत बच्चों ने टीचिंग का कोर्स करा है, उनको पहले जॉब मिलेगी, मुझे कब मिलेगी, ऐसे ख्याल पूरे टाइम चलते रहते हैं माइंड में, तो ये बहुत ही मेंटल स्ट्रेस वाली जो बात हो जाती है एम्प्लॉयमेंट वाली, ठीक है। तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जॉब का कैसे किया जाए, जो कि आज हमारे भारत में जॉब नहीं मिल रही है, कोई भी कोर्स कर लो, कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि कोर्स आपने किसी चीज के लिए नहीं किया, बस फ्री बैठने के लिए किया है, यही जो है वो चलता रहता है। उसके बाद हम लोग करेंगे सिक्स्थ पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। रियलिटी मतलब वास्तविकता, ठीक है, वास्तविकता और काल्पनिकता। वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर यहाँ बच्चों को अब थोड़ा पता लगने लग जाता है। बच्चों की इमेजिनेशंस क्या होती हैं? यहाँ पर उनकी इमेजिनेशंस होती हैं कि जैसे कुछ बच्चों की इमेजिनेशंस है, मैं ये वाला कोर्स करूंगी, मेरे जॉब लग जाएगी, मैंने एक्टर बन जाना है, मेरे ये बन जाना है, उनको ऐसा लगता है कि सिंपल है, कोई चाहता है कि मैं फौज में जाऊं, उनको लगता है बस मैंने ये वाला
कोर्स करना है, ये मैंने फिजिकल ऐसे अपने वहां पर टेस्ट देना है, बस मैंने फौज में चले जाना है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो समाज में समझने लगते थे, वास्तविकता को समझने, उनको पता लग जाता है इतना आसान नहीं है जीवन जीना। और चाइल्डहुड एज में देखो बच्चे आराम से, उनको कोई टेंशन, उनको टेंशन क्या अपने खाने पीने पहनने की थोड़ी थोड़ी रहती है बस, ना मोस्ट ऑफ खाने की टेंशन होती है और ना जो कि उन्हें पेरेंट्स से मिल जाता है। इस एज में जब आते हैं तब उन्हें पता चलता है रियलिटी क्या है, पैसा कैसे कमाना है, कैसे जॉब है, जो पहले ऐसे फालतू में उड़ाते ना पैसे, अब समझ में आती है कि क्या है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, ये चीजें अब समझ में आती है, तब भी एक डिप्रेशन की बात हो जाती है। आप उससे पहले एडोल्सन, इससे पहले आपको कोई खास फिक्र नहीं होती, ना आपको एम्प्लॉयमेंट की कोई फिक्र है, ठीक है, ना आपको ये है कि आपने क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आपको तो नॉर्मल लगता है मैं अभी जिस जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। बाद में आपको लगता है यार मुझे अपनी कोई पहचान बनानी है, कोई नौकरी लेनी है, कोई मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, बहुत ये जब वास्तविकता आती है ना सामने कि रियलिटी में, और जो हम इमेजिनेशन बना के बैठे हैं ना, जो परियों की दुनिया, वो रियल नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब यहाँ ये वाली चीजें भी बच्चों को इस एज में समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है एक और जो पॉइंट है, प्रेशर ऑफ एल्डर्स, जो कि बहुत ही मैंने आपको कई बार बोल बोल के समझा दिया है, जस्ट मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। प्रेशर ऑफ एल्डर्स यानी बड़ों का दबाव, में देखो क्या है, बड़ों का दबाव है कि इस टाइम में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे दादा दादी बहुत हमारे पर दबाव डालते हैं, नौकरी के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए, है ना, कि कुछ करो कुछ तो करो ऐसे वाले, तो वही। और दूसरा ये है कि आपने यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ एक प्रेशर सा बन जाता है माइंड में, बहुत दबाव डालते हैं इन चीजों को लेकर वो। स्पेशली मैंने जैसे बोला कि शायद मुझे लग रहा है अमीर बच्चों जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर ना होता हो इस वाली एज में, बट जो गरीब फैमिली वाले हैं उन पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है इस वाली एज में, ठीक है। तो ये है प्रेशर ऑफ एडल्ट्स। देन उसके बाद हमारे पास आता है जो कि मैं आपको पहले करवा चुकी हूं वैसे तो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ठीक है ना, अपोजिट सेक्स या अदर सेक्स कह सकते हैं हम उसको, मतलब सेक्स को लिंग बोलेंगे, यानी लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं, वही इस वाली एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दिल टूटना, ब्रेकअप, या मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं ये हूँ, ये बहुत चीजें इस एज में चलती रहती है, मतलब बहुत एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है लड़के लड़कियों को यहाँ पर, तो पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन रहती है इस वाली वजह से कि बच्चे आपस में कुछ गलत ना कर दें ये, और वो कहीं भाग ना जाएं, शादी ना कर लें इतनी जल्दी भाग वो, कैसी बहुत टेंशन चलती रहती है। तो ये पेरेंट्स की भी टेंशन होती है और एडोलेसेंस की भी टेंशन होती है, उन्हें होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, बहुत उनका रहता है, फिर उनके वही ब्रेकअप ये और वो, डिप्रेशन में जाना, सैड सॉन्ग सुनना, ये मतलब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है देखो एडोलेसेंस की एज में। अगर आप हो एडोलेसेंस में तो आप जरूर समझते होंगे इस चीज को। उसके बाद हमारे पास आता है एक और इसमें बात आती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब जिसे बोलते हैं आत्म, मतलब अपने बारे में थोड़ा बच्चे जो है वो ज्यादा ही अवेयर हो जाते हैं, मतलब आत्म चेतन कहते हैं इसे हिंदी में कहेंगे तो, आत्मचेतन में क्या होता है कि बच्चा यहाँ अगली एज में आके अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसे अपनी लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद का पता लग जाता है, अब वो चाहता है वो अपनी मर्जी से जिंदगी जिए, अपनी मर्जी के कपड़े पहने, अपनी मर्जी का बालों का स्टाइल बनवाए, अपनी मर्जी से जैसे लड़कियां मेकअप शुरू कर देती है इस वाली एज में आके, मतलब उनका है कि अपने बारे में सोचने लग जाते हैं वो, ये वाले कपड़े मेरे पे सूट करेंगे कि नहीं, ये कलर मेरे पे सूट करेगा कि नहीं, ये हेयर स्टाइल मेरे पे सूट करेगा कि नहीं, और मतलब ऐसे मैं बात करूंगा तो ये अच्छा रहेगा कि नहीं, मेरा बात करने का तरीका होना चाहिए अलग, बहुत सारी बातें हैं जो ऐसी अपने बारे में सोचने लग जाते हैं बच्चे। पहले शायद नहीं सोचते होंगे कि मेरे पे ये कपड़े सही लगेंगे नहीं लगेंगे, चाइल्डहुड में नहीं सोचते, लेकिन अब बहुत ज्यादा सोचते हैं, घर से निकलने से पहले मैंने सारा कुछ कर लिया ना, मैंने कपड़े पहन लिए, हेयर स्टाइल बना लिया ना,
मतलब बहुत ऐसे अपने बारे में सोचना उनके लिए एक एडिक्शन सा बन जाता है, मतलब ऐसे त्याशर होना, अच्छे से बाल बनाकर रहना, क्योंकि अट्रैक्शन भी तो होती है ना लड़के लड़कियों के एक दूसरे से, तो बड़ा सर धज के रहना बड़ा जरूरी बन गया आज के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इसी में लग जाते हैं फिर वो सजने धजने में ही कि हाँ मैं अच्छा दिख रहा हूँ मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद एक और है हमारी प्रॉब्लम ऑफ बैड कंपनी। बैड कंपनी मतलब बुरी संगत है, ठीक है, बुरी संगत। देखो बुरी संगत भी होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि इस एज में बच्चे क्या होते हैं, पीयर ग्रुप यानी साथी समूह बहुत ज्यादा बनाते हैं उनको, वही मैंने आपको समझाया, उनको लगता है जो उनका दोस्त है वही उनकी फीलिंग समझता है, पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो ये कई बार बच्चे इसमें ना गलत ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे लड़कों को ज्वाइन कर लेंगे या फिर मतलब ऐसा ग्रुप बना लेंगे जिनकी आते सही नहीं है, ठीक है, जैसे कि वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं, तो इससे उनका फ्यूचर, देखो अगर अच्छे ग्रुप में जाएंगे तो फ्यूचर बनेगा, लेकिन गलत ग्रुप ज्वाइन कर देंगे यही से उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो यही एज है जहां भविष्य आपका संभल भी सकता है और खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो बड़े बड़े शहरों में जहां जो गरीब परिवार के लोग बच्चे होते हैं जिनको कोई जॉब नहीं होती है, तो उनका थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है कि वो गलत ग्रुप में ज्यादा जाके शामिल ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम उनको ये होता है कि पैसा हो हमारे पास ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सके, ठीक है। तो बहुत रहता है इस वाली एज में कि बच्चा गलत ग्रुप में ना चला जाए, जैसे कि उसकी लाइफ जो है इस टाइम खराब होने का पूरा जो है वो चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जैसे, और वही मैंने बोला कि इसमें बच्चे का रहता है कि बीड़ी सिगरेट में लग जाता है, कोई दारू पीने की आदत लग जाती है, किसी को ड्रग्स की आदत लग जाती है, तो इस एज में पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये वाला देखो, अगर मैं छोटी सी बात और है इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो सॉल्यूशन मतलब एडोलेसेंस की जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया उसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहला तो है देखो, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, माता पिता को, कि हमारा बच्चा जो है कौन से बच्चों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दो उन पे, पर इतना कंट्रोल में ना करो, पर थोड़ा ध्यान दो उन पे, ठीक है, कि कौन से ग्रुप के साथ जा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है, फिर थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है। दूसरी बात है बच्चों की फ्रीडम की मैं बात करूं, तो बच्चों को देखो फ्रीडम भी पेरेंट्स को थोड़ी देनी चाहिए, चाहे आप उन पर थोड़ी नजर रख लो कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, लेकिन फ्रीडम आप दो, ठीक है। देन उसके बाद है एक्ट लाइक फ्रेंड, मतलब पेरेंट्स को देखो अपने बच्चे के साथ में ना ऐसे है कि दोस्त की तरह पेश आना चाहिए, एक दोस्त बनकर उससे बात करने की कोशिश करो, हो सकता है जो प्रॉब्लम अपने दोस्तों को बताता जाके आपको बता दे, से पता चलता है कि आपके बच्चा किसी मेंटल प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा है, आप अगर दोस्त की तरह बात करोगे तभी तो आपसे बच्चा आपका बातें शेयर करेगा ना, तो पेरेंट्स को थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है जो फिजिकल चेंजेस है ना, नॉलेज अबाउट फिजिकल चेंजेस, शरीर में हो रहे हैं ना, देखो उनके बारे में या तो काउंसलिंग करवा दो या पेरेंट्स को जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए, ताकि बच्चा एकदम डर ना जाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है ना, थोड़ा टाइम टाइम पे आप उनको बताते रहो, उनको अवेयर करते रहो कि ऐसे शरीर में परिवर्तन आते हैं और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है, ये हर किसी के साथ होता है, आप उसे ऐसे समझा सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब आपका बच्चा किसी गलत आदत में पड़ गया है तो आप काउंसलिंग करवा दो उनकी, ठीक है, और थोड़ा सा उनको थोड़ी सी फ्रीडम वगैरह भी दो उनको घूमने फिरने की, जो कि मैंने आपको बताया, यही कुछ मेन बातें होती हैं। बाकी जैसे होता है कि अगर मैं बात करूं ऐसे रोजगार की, तो बच्चे को आप थोड़ा इतना ज्यादा प्रेशर ना डालो, कम एज होती है इतना ज्यादा प्रेशर ना डालो, बाकी थोड़ा समझाओ उनको कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, बस इस कोर्स में अच्छे से ध्यान लगाओ ये वगैरह वगैरह, तो कोर्स भी सजेस्ट करो बच्चे पर, बहुत ज्यादा ऐसा दबाव भी ना बनाओ कि बच्चा मेंटल स्ट्रेस में ही चला जाए और डिप्रेशन में चला जाए, उसको समझ ना आए कुछ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद है हमारे पास जैसे एक और मैं बात करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को अपनी इच्छा का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि आप जो आप सोचते हो अपनी इच्छा बच्चों पर थोप दी पूरी तरह कि तूने यही करना है, तूने इस कोर्स में जाना है, जैसा मैंने बोला तूने बिल्कुल वैसा करना है, थोड़ी बहुत बात अगर बच्चों की आप मानोगे तब वो आपको समझेंगे, नहीं तो आपको गलत समझने लग जाएंगे वो, ठीक है। तो ये है देखो सॉल्यूशंस कुछ,
ठीक है, अब तो ये वाला चैप्टर जो प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस है ये पूरा हो चुका है। ठीक है, मैंने इसके बारे में जितनी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशन भी बता दिया है, इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप वॉचिंग।